हेलो मशरूम ग्रोवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अपूर्व कुमार सिंह, वैसे तो हम पेशे से कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, लेकिन हमारी हॉबी है मशरूम कल्टीवेशन की भी, जिसके तहत हम वीडियो बनाया करते हैं और हम डाल देते थे ऐसे ही वीडियो, अपना इंट्रोडक्शन दिया और डाल दिया। लेकिन हमारे एक मित्र कहिए, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर धीरज सिंह, उन्होंने कहा भाई आप सादा सादा अपना वीडियो डाल देते हैं तो इसमें अपना कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह भी डालिए। तो बात हमें भी अच्छी लगी तो हमने अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया। और 2004 में हमने ट्रेनिंग ली थी मशरूम कल्टीवेशन की और तब से धीरे 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 हम कर रहे हैं। अभी तक तो अपने लिए कर रहे थे ओयस्टर की या कभी कभी बटन की भी, और खुद ही उगा रहे थे और खुद ही खा रहे थे। लेकिन अब इधर जो है, इस वर्ष से हम कुछ इसमें बड़ा भी करेंगे, थोड़ा सा समय निकालेंगे इसके लिए, जिससे ये हमारे आय का भी साधन बन सके। तो इसलिए अब आगे बढ़ते हुए हम आज की स्लाइड में देखेंगे कि एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने जो है मटके में मशरूम उगाया, उन्होंने फ़ोटो भी भेजी, काफ़ी अच्छा लगा हमें देख के। तो मशरूम म्यूजिंग में हम कुछ ऐसी ही अनोखी जानकारियां डालते रहते हैं। तो आज का हमारा जो मशरूम म्यूजिंग 12 है, उसमें मटके में मशरूम कैसे उगाया गया है इसके बारे में जानकारी है, और मशरूम हमारे लिए कैसे ज़रूरी चीज़ बनता जा रहा है, तो मशरूम अपरिहार्य हो जाएगा इसके बारे में भी हमने कुछ जानकारी दी है, और कैसे कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या हो रहा है, तो इसके बारे में आज सब कुछ इसमें जानकारी है। तो आइए देखते हैं कि आगे की स्लाइड में क्या क्या है। हमारे मित्र ने मटके में मशरूम उगाया है जिसकी फ़ोटो हम डाल रहे हैं। बीते सालों में मशरूम की खेती ने किसानों को काफ़ी मुनाफा दिया है, ऐसे में कई किसानों का झुकाव इस ओर बढ़ रहा है। देश में मशरूम का एक बड़ा बाजार है। सब्जियों में इस्तेमाल होने के अलावा मशरूम से बिस्किट, नमकीन जैसे कई दूसरे प्रोडक्ट भी तैयार किए जाते हैं। ऐसे में मशरूम का यह बिजनेस आपकी शानदार कमाई करा सकता है। मटके के मुंह को एक कपड़े से बांध दें, इससे नमी मटके से बाहर नहीं जा पाएगी। इस प्रोसेस को करने के बाद आपको 15 से 20 दिनों के लिए मटके को अंधेरे कमरे में रखना होगा। इस दौरान मशरूम के स्पान बीज फैलकर विकसित होने लगेंगे। इसके करीब 3 हफ्तों के बाद कपड़ों को हटाने के बाद आपको मटके में मशरूम के छोटे छोटे बड्स दिखाई देने लगेंगे। ऐसे में आप मटके के अंदर मशरूम की फार्मिंग करके बम्पर कमाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यह भी होगा कि जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है, पॉलीथीन वगैरह भी नहीं लगेंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल पॉलीथीन पर भी बैन लग गया है, तो पॉलीथीन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मटके की फसल ले लीजिए, 3-4 फसल जितनी भी आ पाए, और उसके बाद मटके को पानी से धुल दीजिए, और जब तक मटका फूटता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तब तक आप बार 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 फसल ले सकते हैं। ये एक नेचुरल तरीका आपका हो गया। तो और बाकी जो है, ये इसमें जो है भूसा किस तरह से डालना है और किस तरह से स्पानिंग करनी है, ये सारे तरीके हमने पिछले अपने वीडियोस में बना रखे हुए हैं, तो उनको देखिए और उनका भी लाभ उठाइए।
मशरूम जल्द ही अपरिहार्य हो जाएगा। देखिए, इसमें हम बताएंगे कि आप मशरूम से क्या क्या कर सकते हैं, और ज़्यादातर ये जो ओयस्टर उगता है वो हमने कई लोगों को खाने को दिया, तो कुछ हमारे ऐसे भी मित्र हैं जो नॉनवेज खाते हैं तो कहते हैं यार इसको खा के तो हमें नॉनवेज छोड़ने की मन हो रहा है कि नॉनवेज छोड़े इसी को खाए। तो हमने कहा ठीक है भैया करिए, कम से कम जो है जो अभी कुछ वक्त पहले तक जिंदा था जिसमें जान थी और नॉनवेज की वजह से मार दिया जाता है तो उसके प्राण भी बचेंगे। तो वो लोग हंसने लगे। खैर चलिए अब देखते हैं आगे कि मशरूम अपरिहार्य कैसे हो जाएगा। पौधों पर आधारित मांस की दौड़ तेज होती जा रही है। कंपनियां हर ज्ञात मांस किस्म को किसी न किसी प्रकार के मांसाहारी उत्पाद से बदलने के लिए लड़ रही हैं। रास्ते में हर संभव सामग्री का पूरा उपयोग कर रही हैं। चिपोटेल कंपनी का नाम है, चिपोटेल कुछ समय से प्लांट आधारित विकल्पों के साथ काम कर रहा है, जिसने 2014 में पहली बार टोफू आधारित प्रोटीन सोफ्रिटास पेश किया, और इस साल की शुरुआत में इसने मटर आधारित शाकाहारी कोरिजो के साथ प्रयोग किया। चिपोटेल मीटी में एक प्रमुख निवेशक होगी, एक नया मशरूम आधारित मांस विकल्प। वास्तव में राष्ट्र के रेस्तरा समाचार की रिपोर्ट है कि चिपोटेल नए प्रोटीन की शक्ति में इतना विश्वास करता है कि कंपनी ने $50 मिलियन का निवेश किया है। मीटी क्या है? कोलोरेडो स्थित कंपनी ने माइसिलियम का उपयोग करके एक मांस जैसा उत्पाद बनाया है जो कि किण्वन प्रक्रिया में उगाए गए मशरूम की जड़ जैसे फिलामेंट से एक बीजाणु का स्ट्रेन है। अब तक इस मशरूम रूट विधि द्वारा मीटी को चिकन जैसे कटलेट, एक क्लासिक स्टेक फाइलेट बन पाया है। अब तक मीटी का उपयोग केवल 3 कोलोरेडो रेस्टोरेंट में किया जा रहा है जो ज़्यादातर विभिन्न प्रकार के सैंडविच में अपना रास्ता खोज रहा है, लेकिन चिपोटेल के निवेश के साथ मीटी जल्द ही उत्पादन बढ़ाने और नए उत्पाद बनाने के लिए 1,00,000 वर्ग फुट का खेत खोलेगा। यह अक्टूबर में स्प्राउट सुपरमार्केट में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। मशरूम उत्पादों का उदय। मीटी एकमात्र ऐसी कंपनी नहीं है जो मशरूम पर जा रही है, और यह समझ में आता है कि लोग बहुमुखी कवक की सीमाओं का परीक्षण कर रहे हैं। मशरूम न केवल कई प्रकार के आकार और बनावट में आते हैं, बल्कि उनके समृद्ध उमामी स्वाद को या तो अपनी गहराई के लिए हाईलाइट किया जा सकता है। मशरूम जर्की, मशरूम बियर और मशरूम चिप्स जैसे उत्पादों के बनने के साथ उद्योग फल फूल रहा है। स्वाद के अनुसार कार्यात्मक मशरूम बाजार 2024 के अंत तक $69.3 बिलियन बनाने का अनुमान है। अधिकांश मांस विकल्पों की तरह मशरूम उत्पादों के साथ आने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभ भी हैं। ग्रीन मैटर्स के अनुसार मशरूम वहाँ सबसे टिकाऊ सब्जी हो सकती है क्योंकि उन्हें किसी भी अन्य फसलों की तुलना में कम बढ़ती सामग्री, बढ़ती जगह, पानी, ऊर्जा और यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। वह 1,00,000 वर्ग फुट का खेत जिसमें मीटी का विस्तार हो रहा है, इससे सालाना लाखों पाउंड मशरूम का उत्पादन करने की क्षमता होगी। आइए अब कुछ और कंपनियों के नाम जानते हैं जो मशरूम से कुछ ना कुछ कर रहे हैं।
तो यदि आप लोगों द्वारा मशरूम का उपयोग करने के कई तरीकों को आजमाने में रुचि रखते हैं तो यहाँ कुछ ब्रांड हैं जिन पर नज़र रखी जा रही है। जैसे उसमें आपका फेबले हो गया, मांस के रूप में मशरूम के साथ स्ट्रो गानाफ और चिली कान कार्न जैसे खाने के लिए तैयार भोजन, फंक्शनल ब्रूइंग कंपनी एल्कोहल फ्री क्राफ्ट बियर MUDWTR बीन्स के बजाय मशरूम से बनी काफ़ी, वाह भाई वाह, माई फॉरेस्ट फूड्स मशरूम बेकन, नॉर्थ स्पोर मशरूम टिंचर कैप्सूल और चाय के साथ साथ ग्रो किट का वाहक भी है। अच्छा, ग्रो किट ऐसा सामान होता है जिसमें आप किट मंगा लीजिए और मशरूम बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के आप उगा सकते हैं, केवल इन्वायरमेंट आप अपने घर में वैसा बना लीजिए। पेंस मशरूम जर्की, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, मशरूम से बने झटकेदार व्यंजन। परफेक्ट डे कवक आधारित डेयरी विकल्प, रेनबो मशरूम टिंचर चाय और मेपल सिरप। तो आज इस स्लाइड में हमने देखा कि हम किस तरह से मटके में मशरूम उगा सकते हैं और मशरूम का कितना वाइड स्कोप होता जा रहा है, कहां कहां पर हमें मशरूम की ज़रूरत पड़ रही है। और अगले कुछ स्लाइडों में हम धीरे धीरे अब वर्कशॉप की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो ओयस्टर मशरूम और आपका बटन मशरूम, इसकी भी वर्कशॉप का वीडियो हम डालेंगे। तो चैनल को लाइक करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इधर हमारे पास कुछ कमेंट भी आए जिसमें पूछा गया कि म्यूजिंग का क्या मतलब होता है। जैसे हम डालते हैं सीरीज़ मशरूम म्यूजिंग 1, मशरूम म्यूजिंग 2, तो म्यूजिंग क्या होता है? तो म्यूजिंग होता है सोच या विचार, यानी मशरूम के बारे में हमारी सोच या हमारे विचार क्या हैं। तो हमेशा की तरह हमारी बिटिया वसुधा सिंह अब आपसे कुछ कहेंगी, तो उसको भी आप लोग सुने। और हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे की आवाज़ वसुधा सिंह की। हमारे मशरूम चैनल मशरूम किंग के सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।